ओम नमो नारायण जी, जय श्री महाकाल। इस संसार में हर एक इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता। कुछ लोग आकर कहेंगे महाराज जी हमारा काम नहीं चलता, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। इंसान मेहनत भी करता है, दूसरे लोगों से ज़्यादा मेहनत करता है, फिर भी क्यों नहीं उसका काम चलता। कोई एक कमी हमारे में होगी जिसकी वजह से काम नहीं चलता, और वो हर इंसान को अपनी कमी के बारे में पता होता है कि मैं क्या नहीं करता। हम इधर उधर की बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, हम घर से निकलेंगे कि कहाँ जा रहे हो जी, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। जो आप काम करके आए हो, आप अपने घर अपने बच्चों के पास बैठे हो, 10 मिनट परमात्मा के लिए एक कमरे में बैठकर आप ध्यान लगाओ, फिर देखो क्या आनंद आता है, कितना आपका कारोबार चलता है। जो लोग हमें आके बोलते हैं महाराज जी हमारा काम नहीं चलता, ये नहीं चलता, हाँ किसी गुरु के दर्शन करने से, किसी गुरु की आप पर दृष्टि पड़ने से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, ये नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें खुद को भी मेहनत करनी चाहिए। और लोगों ने इतने बड़े बड़े पखंड बना रखे हैं, आप सुनोगे आप खुद हैरान हो जाओगे। कुछ लोग आएंगे महाराज जी ये हमारा पासपोर्ट है, आप हाथ लगा दीजिए। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है इसने नया पासपोर्ट बनाया हो, मैं हाथ लगा देता था, चलो कोई बात नहीं। मैंने एक से पूछ लिया, मैंने कहा अभी हाथ क्यों लगवाते हो? कहते महाराज जी हमने बाहर के लिए अप्लाई किया है और वीज़ा लग जाए। और मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, मैंने खुद फॉरेन कंट्री जाना था, मुझे 3 से 4 महीने खुद एक कंट्री का वीज़ा लेने के लिए खुद को वेट करनी पड़ी। किसी एक शिष्य की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट उसने नहीं लगाए, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, फिर दोबारा अप्लाई किया वो लग गया। कोशिश करने से काम होता है। कुछ लोग कहेंगे हमारे घर में भूत प्रेत हैं, ये है वो है, महाराज जी आप घर आओ। मैं तो एक बार जाऊंगा, वापिस आ जाऊंगा, उसके बाद जो गुरु बोलता है या गुरु कहता है वो करना तो आपको ही है। इन वहम भ्रमों से निकलो, परमात्मा की बंदगी करो। हर इंसान के अंदर परमात्मा है, सिर्फ एक खोजने की ज़रूरत है। अगर खोजोगे तो आप भी एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे व्यक्ति बन जाओगे। और जैसे लोग कहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता, कैसे मिले बताओ, कैसे मिले सुकून जब हमने सोच परमात्मा के बारे में सोचना ही नहीं। सुबह उठकर नहा धोकर कम से कम हर एक इंसान को, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 15 से 20 मिनट भजन सिमरन करना चाहिए, बिल्कुल एकाग्रता में बैठना चाहिए, फिर देखो काम नहीं चलता आपका, क्या नहीं होता, सब कुछ होगा। कुछ लोग अगर कहेंगे महाराज जी हम पे किसी ने कुछ कर दिया, भाई पहले तो ये बताओ आपको कैसे पता लगा किसी ने कुछ कर दिया।
लोगों में एक आपको एक और चीज़ बता दूँ, लोगों में एक और बहुत बड़ी समस्या है, जो चीज़ नहीं भी होती ना उसके बारे में भी सोचेंगे। जिस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं उसके बारे में सोची जाएंगे, एक ख्याली पुलाव बनाई जाएंगे, नहीं ऐसा होगा, नहीं ऐसा होगा। इन चीज़ों से निकलो, हमारी विनती है। हम इसीलिए वीडियो बना रहे हैं कि जो जो देखे अगर वो मानेंगे तो अपना जीवन देखे कितना चेंज होता है। कहते हैं ना कि महाराज जी कोई चमत्कार दिखाओ, उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा अगर कोई मानेगा। अगर मानेगा नहीं तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण।